इस्लाम। मेरी गवाही यह है कि मैं जहाँ एवेंजलिज्म के लिए जाती हूँ वहाँ पे एक मेरी बहन है सिस्टर शेरल, वो आज आई हुई भी हैं। और ये गवाही है कि लास्ट फ्राइडे जब वो यहाँ आई फर्स्ट टाइम, तो खुदावंद ने उनकी ज़िंदगी में बड़ा जलाली काम किया, और उनके हस्बैंड की जॉब और उनकी जॉब दोनों की एक साथ जॉब बहाल हुई। खुदावंद के नाम को सारा इज्जत और जलाल मिले। और खुद मसीह में सबको सलाम जी। मैं पहले से ही प्रेयर्स में बहुत थी, लेकिन जब से सिस्टर आई हैं, सिस्टर की तरफ से मौज इनकरेजमेंट मिली है मुझे। मैं हर बात इनसे शेयर करती थी कि ये हो रहा है। पिछले दो मतलब एक साल में मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं थी, थोड़े से क्राइसिस थे, फिर मेरी जॉब सडनली छूट गई। फिर मैंने सिस्टर के साथ मिलकर बहुत प्रेयर किया, दुआ की, सिस्टर का आना था मेरे घर पे, और मैंने भी खुद से खुदावन से मांगा कि खुदावन जल्दी से हमारे दरवाज़े खोले, हमारी मुश्किलों को आसान करे। खुदावन ने मेरी आवाज़ सुनी, हमारी दुआओं पर कान लगाया, और हम दोनों को एक ही साथ जॉब मिली। तो मैं इस पे खुदावन के बहुत शुक्र गुज़ार हूँ कि खुदावन ने हमारे रास्ते खोले हैं, और मैं दिल से खुदावन से ये मन्नत करती हूँ कि खुदावन आगे भी हमारे तमाम रास्तों को हमवार करे और हम मसीह में यूं ही बढ़ते चले जाएं। तो खुदावन का जलाल मेरे लिए बहुत, और आप लोगों के लिए भी जो है वो साबित कदम साबित हो। तो मेरी तरफ से ये एक टेस्टिमनी थी जो मैंने सिस्टर के साथ शेयर की, और पास्टर जी की तरफ से मैं बहुत वो हूँ कि मेरे लिए, मुझे ना पहचानते हुए मेरे लिए हमेशा दुआ करते हैं, और आज इनके इंकरेजमेंट से ही मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ। थैंक यू वेरी मच। मेरी गवाही जो है वो मैं अपने ईमान की गवाही देना चाह रही हूँ। आपको पता है कि ये टाइम जो है अप्रेजल्स के टाइम्स चल रहे हैं, तो मैं बहुत अपने आप को तैयार कर रही थी। अभी परसों मैं और मेरे हस्बैंड उबैद हम आपस में बात कर रहे थे अप्रेजल की, तो मेरे मुंह से एकदम अमाउंट निकला। मैंने कहा यार काश इतना अमाउंट मेरा लग जाए ना इंक्रीमेंट। तो उन्होंने कहा हाँ हो जाएगा, बस ईमान से दुआ करो। मैं उस दिन से इस बात के लिए दुआ कर रही थी। आज सुबह मुझे ईमेल रिसीव हुई, और जितना मैंने अमाउंट खुदा से मांगा वही अमाउंट, हालांकि इतना इंक्रीमेंट नहीं लगता, लेकिन मैं बहुत शुक्र करती हूँ। और इस बात की ये गवाही दे रही हूँ कि जब से हम यहाँ रेगुलर आना शुरू हुए हैं भाईजन के साथ इस फ्राइडे प्रेयर मीटिंग में, हमारी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आई हैं, और खुदा का शुक्र है वो सारी नेमतें बरकतें शायद जो हमारी रुकी हुई थी वो खुदावंद ने हमें वो बहाल करना शुरू कर दी हैं। तो प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबको सलाम। मेरी गवाही इस तरह है कि मुझे 2 वीक से ना कैविटी का इशू था, और उसकी वजह से मेरे दांत में बहुत ज़्यादा दर्द थी और पस बन गई थी, और घर वालों ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था। और डॉक्टर्स ने जब आके चेक किया तो उन्होंने बोला कि इसका ऑपरेट होगा, और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। और मैंने पास्टर जी को कॉल की, तो उन्होंने प्रे की, और उन्होंने बोला खुदावंत के नाम से ये पस एक जगह पे जमा हो जाए और खुद ही बहना शुरू हो जाए। और जिस दिन मेरा वो प्रेयर था और खुदा ने ऐसा ही किया, वो सारी यस्सु के नाम से निकलने लग गई, और खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदा ने मुझे ऑपरेट से भी बचाया, सिर्फ हल्का सा कट लगा, और मैं सारा इज्जत और जलाल अपने खुदा को देती हूँ। थैंक यू।